राष्ट्रीय जनहित पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री विनोद त्यागी जी ने देशवासियों को एक संदेश दिया जो इस प्रकार है। नमस्कार, जनहित पार्टी के मेरे सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं मध्य प्रदेश प्रभारी जनहित पार्टी। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि जनहित पार्टी 2022 में संभवतः फरवरी और मार्च में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और जनहित पार्टी आप सभी शानदार दमदार लाजवाब कार्यकर्ताओं के दम पर मिशन 22 के तहत हम सभी विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। आप लोगों को, हम लोगों को जमीन पर रहकर अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। हमारी लड़ाई धनाढ्य पार्टियों से है जिन्होंने देश को जमकर लूटा है। 50 साल तक कांग्रेस ने लूटा, 8 साल से 7 साल से भाजपा लूट रही है। मेरे मध्य प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने लूटा, बहुजन समाज पार्टी ने लूटा, कांग्रेस पार्टी ने लूटा, भाजपा की मिलीजुली सरकार ने लूटा, भाजपा ने लूटा। अब उत्तर प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, बल्कि आज मैं कहूं तो पूरे देश की हमारी सम्मानित आम जनता पूरी तरह से फटे हाल है। साथियों, हम लोगों का सबका फर्ज बनता है कि इन मक्कार दोगली और भ्रष्टाचारी सरकारों को बदलने का समय आने वाला है। जनहित पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता संकल्प ले कि वो मात्र एक घंटा, 24 घंटे में से मात्र एक घंटा सार्वजनिक जीवन में दे। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप और हम गरीब लोग हैं, लेकिन जब जब लोकतंत्र में व्यवस्था का बदलाव आया है तो गरीब लोगों ने ही बदलाव लाने में प्रथम पंक्ति में गरीब आदमी आगे खड़ा रहा है। वो वक्त अब आ चुका है। आप हम सब भाइयों को, गरीब भाई बहनों को, आम जनता को एकजुट होकर इन धनाढ्य पार्टियों को, जिनका आप किसी भी वेबसाइट और किसी से भी देख लीजिए, हालांकि इन्होंने चंदा, पार्टियों ने जो चंदा है वो इन्होंने आरटीआई से भी दूर रखा है, अरबों रुपया इनके पास चंदा इकट्ठा है। ये धन बल और छल की राजनीति करने में माहिर है। चुनाव नज़दीक हैं, आपको 5-5 किलो, 3-3 किलो चावल फ्री में देने के प्रलोभन दिए जाएंगे, लालच दिए जाएंगे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, सांप्रदायिक दंगे होने की प्रबल संभावनाएं बनी रहेंगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन चारों को उलझाने की, आपस में लड़ाने की कोशिशें की जाएंगी। आप लोग सब सतर्क रहें और अपने पड़ोसियों को भी सतर्क करने का, जागरूक करने का काम करें। अब की बार हम इन सभी मक्कार पार्टियों को ये सबक सिखाने का एक संकल्प लेकर के, जनहित पार्टी का कलम का झंडा हाथ में लेकर के हमको सड़क सड़क, गांव गांव पर उतरना है, और वो भी पैदल, क्योंकि जनहित पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। आप और हम लोगों का जो साथ है वो साथ ईमानदारी और सत्यमेव जयते, इसके ऊपर आधारित है। इस बार जनहित पार्टी उत्तर प्रदेश में, आने वाले नगर निगम चुनाव मध्य प्रदेश में और 2023 में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हम बहुत ही दमदारी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं जनहित पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है। इस जिम्मेदारी को बहुत ही ईमानदारी के साथ,
परिश्रम के साथ, और मैं तो कहूंगा कि अथक परिश्रम के साथ आपको निभाना है, दायित्व को निभाना है। कई प्रकार के प्रलोभन आपको भी दिए जाएंगे, कई प्रकार के, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जनहित पार्टी का कोई भी पदाधिकारी और कोई भी कार्यकर्ता, कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, इनकी औकात नहीं है कि मेरे जनहित पार्टी के कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को खरीद सके, क्योंकि हम लोग अपना जमीर बेच करके राजनीति में नहीं आए हैं। हम लोग अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर, और जो आज भाजपा सरकार ने जिस तरीके से देश की हालत कर दी है आम गरीब भाई बहनों की, उस दर्द को लेकर के हम जनहित पार्टी के माध्यम से बदलाव करने के लिए आए हैं। साथ ही मैं देश की आम जनता को, अपने गरीब भाई बहनों को भी संबोधित करते हुए कहना चाहूंगा कि अब आप अपना ईमान 2 किलो चावल और 1 किलो गेहूं पे, इन पे मत आप गिरवी रखना। आपके पास सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में वोट डालने का है। कोई भी सरकार अगर आपको फ्री का लालच देती है तो मेरे भाइयों, वो आपके फ्री के लालच में आपको फंसा कर आपके वोट का एक गलत इस्तेमाल करके आपका वोट लेती है, और उसके बाद सरकार में जब ये आ जाते हैं उस वक्त ये गरीबों को सड़क पे मरने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि कोरोना कार्यकाल में आपने, कोरोना कालखंड में आपने अपनी स्थितियां देखी हैं, गरीब मजदूर भाइयों की स्थितियाँ देखी हैं, और मध्यम परिवार जो हैं उनकी भी स्थितियाँ आपने देखी हैं। तो आज की स्थिति ये है, गैस आपकी रसोई गैस 850, पेट्रोल 110 के करीब होने वाला है, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, युवाओं के बेरोजगार, युवा बेरोजगार आपको गली गली, सड़क सड़क, मोहल्ले मोहल्ले मिल जाएंगे। एमटेक, एमएससी, इंजीनियर सारे लोग घरों में बैठे हुए हैं, जिनके पेरेंट्स ने हजारों लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड बनाया है, आज सभी सड़क पर हैं, घर पर हैं। वो सरकार जो कहती है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, मैं साथियों आप ही से पूछना चाहता हूँ कि ये सपना मोदी जो दिखा रहे हैं हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत, वो कैसे बनेगा? आपने तो सभी लोगों के रोजगार खत्म कर दिए, आप विदेशों में घूमते रहे, एक भी विदेशी कंपनी ने अपनी कंपनी स्थापित भारत में नहीं की है। वापस चुनाव नज़दीक हैं, वापस आप कहने लगे कि हम कंपनियां स्थापित करेंगे, ये कब तक ये जुमले आप मार्केट में फेंकते रहोगे? अब ये जनता सब समझ चुकी है, और मैं अपने जनहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि इन्हीं मुद्दों को लेकर आप लोग दमदारी के साथ, बिना किसी भय के, आप सड़कों पर उतर जाइए, और ये जो घमंडी और ये जो मक्कार सरकारें हैं, इनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि जन जन की अब यही पुकार, जनहित पार्टी अब की बार, जन जन की बात, जनहित पार्टी के साथ। साथियों, मैं आज यही संदेश देने के लिए आया हूँ। अगला संदेश फिर हम आपको देने के लिए फिर यहाँ उपस्थित होंगे। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।